सवाल यहाँ सरकारों पे उठ रहे हैं, इसीलिए सीधा रुख मुझे विशाल पांडे का करना होगा। मनोज तिवारी उनके साथ हैं। जी विशाल, देखिए नंदिता, आज के लिए सबसे शर्मिंदा करने वाली खबर यही कि देश की राजधानी में अगर 3 बच्चियों की मौत सिर्फ भूख से हो जाए तो इससे बड़ी बुरी कोई खबर नहीं हो सकती है। मनोज तिवारी जी, 3 बच्चियों की भूख से मौत हो रही है, संसद चल रही है, सारे सांसद, मंत्री, विधायक, दिल्ली सरकार से लेकर हर कोई यहां पर है, आखिर क्यों, इसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? कब तक भूख से बच्चियों की मौत होगी? बहुत ही दुखद समाचार है, मैं जब से कल से सुना हूं और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से लोगों को भोजन का अधिकार इस देश में 30 रुपया किलो, 32 रुपया किलो वाला चावल लोगों को 3 रुपया किलो में दिया जाता है, गेहूं 2 रुपया किलो दिया जाता है, जो इस देश का किसान पैदा करता है, इसलिए दिया जाता है कि लोगों को भूख से न मरना पड़े। और ये सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ये देती है स्टेट्स को, स्टेट को इसका वितरण करना होता है और उसकी वितरण की एक बहुत सुदृढ़ व्यवस्था है। लेकिन अब ऐसी स्थिति के बावजूद भी ये घटना होना, मैं निश्चित रूप से, मेरे पास कोई शब्द नहीं, कल से मैं देख रहा हूँ, जब से अभी मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचने वाला भी हूँ जहाँ पे इस घटना हुई है। अब इस पे हम तो इस पे किसी को तुरंत स्पष्ट रूप से हम जब दोषी ठहराते हैं तो लोगों को इसमें एक दूसरी राजनीतिक बू आती है। लेकिन अगर दिल्ली में ऐसी घटना हो रही है तो निश्चित रूप से जो दिल्ली सरकार राशन पहुंचाती है उसका दोष है और उसको देखना चाहिए, उसका ध्यान देना चाहिए। लेकिन मनोज तिवारी जी, आप कह रहे हैं दोष है, ध्यान देना चाहिए। अब हम मानते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आपसी स्थिति ऐसी हो सकती है कि कोई एक रास्ता ना बने, लेकिन भूख और अनाज जैसे मुद्दों पर क्या आप लोग की सहमति एक नहीं बन सकती है कि आम आदमी तक राशन पहुंच सके? नहीं, बिल्कुल इसमें सहमति असहमति की बात ही नहीं है, ये टोटल स्टेट का सब्जेक्ट है। और जो केंद्र सरकार 3 रुपया किलो चावल, 2 रुपया किलो गेहूं देती है, वो उसमें असहमति की कोई बात ही नहीं है। विशाल, आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा बारिश हो रही है। जी जी, इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि सांसद का या वहां के लोगों का कोई ऐसा सहयोग है कि हम नहीं होने देंगे। जितनी चीजें यहाँ पे दी जा रही हैं उसका पीछे आपने देखा होगा कि लगभग पता चला कि 20-20 टन चावल गए और जिस गाड़ी पे गए वो स्कूटर का नंबर था, 34-34 टन गेहूं गए हैं और बाद में जब उस गाड़ी का नंबर पता किया, चेक किया गया तो वो ऑटो रिक्शा का नंबर था। तो इसी दिल्ली में ये भी देखने को मिला थोड़ी देर पहले, आपके चैनल पे भी हमने देखा। तो अगर आप बगल के स्टेट से ले लीजिए अगर थोड़ा सा सबक, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को चावल बाबा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस व्यक्ति ने 3 रुपया के चावल को भी 1 रुपया किलो कर दिया, और वो भी कहीं कहीं उसने अपने जो लोग हैं जिनके पास बिल्कुल कुछ नहीं है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोगों ने देने का काम किया, एनजीओ को लगाया। लेकिन दिल्ली में अगर ये चिंता नहीं हो रही है सारे सिस्टम के बावजूद भी, इतने लंबे समय से राशन प्रणाली चल रही है और इसमें लगातार इस प्रकार की घटनाएं आ रही है, और ये जो शर्मनाक घटना आ गई, सवाल मेरा यहाँ पे छोटा सा है, जिस तरह से मनोज तिवारी कह रहे हैं कि ये काम जो है वो राज्य सरकार का होता है, क्या सिर्फ अलॉट कर देना भर ही उनकी जिम्मेदारी होती है? जब राजनीति करनी होती है और हर मुद्दे पिन पॉइंट किए जाते हैं कि हमने पैसे दिए, देखिए गड्ढे नहीं भरे, हमने पैसे दिए ये नहीं हुआ, इस बारे में क्यों नहीं देखा गया? बच्चियां भूख से मर गई, उनके पेट में दाना नहीं अनाज का। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी हम सभी को इसमें मिलके कुछ ना रास्ता निकालना चाहिए। तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की व्यवस्था नहीं की कि राशन पहुंचाया जा सके, लेकिन उस वक्त आप लोगों ने कोई दबाव क्यों नहीं बनाया कि जब आप लोगों को पता चला कि राशन सही तरीके से नहीं पहुंच रहा, राज्य सरकार पर आप लोगों ने दबाव क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं राज्य सरकार को आपने मजबूर किया कि वो गरीबों तक राशन पहुंचाए? हम पिछले 1.5 साल से आपका राशन आपका हक इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों को जागरण कर रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली सरकार से कई बार हमारी संवाद भी हुए हैं, कई बार चिट्ठी के मार्फत भी बातें हुई हैं, लेकिन अभी सरकार को उसको ठीक करने की जगह एक बहुत दुखद घटना आपको
मैं बता दूं, आज से 5 महीना पहले इन लोगों ने जो राशन मिलता था, जो पहले तो आधार कार्ड के आधार पे, फिर नहीं आया तो ओटीपी मोबाइल, फिर नहीं तो रेटिना चेक करके सबको हटा दिया। 5 महीना पहले दिल्ली सरकार ने ये सारे सिस्टम, आधार कार्ड, रेटिना, ये सब हटा दिया। बोले नहीं नहीं, रजिस्टर पे लिख के दिया जाएगा, और रजिस्टर पे लिख करके जो दिया जा रहा है उसका एक। तो मनोज तिवारी जी, अब क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या क्या चीजें होंगी? निश्चित रूप से इस पे जो लोग वितरण व्यवस्था में हैं उनके ऊपर कड़ा कार्रवाई होना चाहिए, मैं इस बात का पक्षधर हूँ। मनोज तिवारी जी, प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ, लेकिन राज्य पे सिर्फ जिम्मेदारी डालने से काम चल जाएगा क्या? कैसे बेटी बचेंगे? अब तो बेटियां भूख से मर रही हैं देश की। विशाल भाई, व्यवस्था है, व्यवस्था के तहत हर स्टेट को केंद्र सरकार अनाज मुहैया कराती है, कई चीजें अनाज के साथ साथ किरासन तेल, चीनी, ये सारी चीजें हैं। यही खास बात है हमारे देश के नेताओं की, मनोज तिवारी को हम सुन रहे हैं कि जब उनके ऊपर बात आ जाती है तो वो व्यवस्था की बात करने लगते हैं, जब राजनीति की बात आती है तो इन्हीं मुद्दों पर अपने विपक्ष को घेरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि भुगत कौन रहा है? आम आदमी भुगत कौन रहा है? गरीब आदमी जो 2 जून की रोटी नहीं कमा पा रहा, 3 बच्चियों की मौत हो गई है राजधानी दिल्ली में, सरकारें इसके लिए जिम्मेदार है, इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती है।